लास्ट क्लास वाला अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनवाइएगा। लेजर लाइट ओके। एक चीज नोट करें, ये एसेट हमारे पास कब तक रहेगा, किस तारीख तक हम इस एसेट को यूज करते रहेंगे? 31/12/19 तक, क्योंकि 19 के साल का किराया हमने 1 जनवरी 19 को दे दिया। ज़रा सवाल जाके देखें, कितने साल की लीज थी? 5 साल की लीज थी, पूरा 15 का साल, पूरा 16 का साल। भाई पिछला सवाल खोलो ना, पिछला सवाल ही घूम गया तो फिर बाकी सीए कैसे होगा। पूरा 15 का साल, पूरा 16 का, पूरा 17 का, पूरा 18 का, पूरा 19 का, तो ये टोटल बने 5 साल। अच्छा बताएं, एसेट कब तक इस्तेमाल करेंगे? नहीं, 1 जनवरी 19 तक नहीं, 31/12/19 तक। हाँ, 19 के साल का किराया एडवांस में दे देंगे। अच्छा, जो हमने एक दिन और एडवांस का सवाल किया था लेसी का, उसमें हमने परचेज की ऑप्शन डाली थी, आज हमने परचेज की ऑप्शन नहीं डाली, इसलिए बात ज़्यादा बेहतर समझ आ सकती है। तो लेक्चर 5 के अंदर जो हमने ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया था, इसके अंदर एक चीज़ नोट करें कि अगर परचेज ऑप्शन ना हो, यानी ख़रीदने की ऑप्शन ना हो, जिस तरह एंड के ऊपर एक आई थी, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप नोट करें कि नॉर्मली एडवांस के सवालों में इंटरेस्ट हमेशा 4 साल का नजर आएगा, अगर लीज 5 साल की है। अगर लीज 5 साल की है तो हमें इंटरेस्ट इनकम 4 साल की नजर आ रही है। इसकी वजह बता दें क्या है? नहीं, ये पहले साल का इंटरेस्ट 0 है, ये बात गलत है। आखिरी साल का इंटरेस्ट 0 है। असल में लीज के पैसे हमने देने थे 5 सालों में, लेकिन आप माने ना माने 4 साल एक दिन में हमने पैसे दे के ख़त्म कर दिए। जितने पैसे लीज के बनते थे हमने 4 साल एक दिन में दे दिए। एग्रीड और नॉट? कैसे? 1 जनवरी 19 को हमने पेमेंट की, पूरा 15 का साल, पूरा 16 का साल, पूरा 17 का साल, पूरा 18 का साल और 19 का एक दिन, ये कितने साल बने? अगर हमने 4 साल एक दिन में लीज की सारी पेमेंट कर दी तो बताएं अकल लगा के किस साल का इंटरेस्ट बनता ही नहीं हमारे ऊपर, यानी देना ही नहीं बनता। कौन से साल का? 19 के साल का। इसलिए पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूं ये किस साल का इंटरेस्ट है। नजर 16 में आ रहा है, ये किस साल का इंटरेस्ट है? 15 के साल का। ये 16 के साल का। ये 18 के साल का। 12वें महीने के एंड पे दिया जा रहा है या 13वें महीने के पहले दिन? 13वें महीने के पहले दिन। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, इससे आप जरा नोट करके देखें कि लीज 5 साल की है लेकिन इंटरेस्ट इनकम लेसर कितने साल की रिकॉर्ड करेगा? 4 साल की। किस साल की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं करेगा? 2019 की। और ये जो पहला इंटरेस्ट नजर आ रहा होगा ये किस साल से रिलेट, आगे आ जाए, ये किस साल से रिलेट कर रहा होगा और मिल किस साल रहा होगा? 16 में। तो एडवांस के सवालों की क्या खासियत है? इनकम कमा लेते हैं हम, लेकिन मिलती है अगले साल के पहले दिन।
ओके अच्छा भाई इसमें किस साल का नोट बनाया था? 2015 का। अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े क्या थी? किस साल का बनाना था? 15 का। अच्छा ऐसे ही 16 का भी बना लेते हैं अपने समझने के लिए। 16 के साल का नोट बना लेते हैं अपने समझने के लिए। और आपको वो वजह बतानी थी, रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं कर रही, उसकी भी थोड़ी सी रीजन डिस्कस करनी थी। तो से आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/16 बैंक या लेसर जो भी है इसकी बुक्स हैं, इसी सवाल का 2016 का नोट बना लेते हैं। फॉर ईयर एंडेड बोले 31/12/16। ओके अगर इस सवाल का मैं 2016 का नोट बनाना चाहूं तो नोट और बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या रूल है? नोट में बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी या लीज रिसीवेबल मालूम करना हो या नोट में मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना हो तो उसके लिए क्या रूल है? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जरा हमारा साल बताएं कौन सा है? 16। 16 के साल की पेमेंट के नीचे मैं कैसे लाइन लगाऊं? 16 के साल में ये पेमेंट है बस, ये तो 17 में पेमेंट है। ठीक है, नोट बनाते हुए जो मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है उसके लिए क्या करेंगे? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे। ये हमारे साल की पेमेंट है, इसके नीचे लाइन लगा दी। अब अगर मैं 16 के साल में खड़ा हूं तो जो एक साल के अंदर अंदर है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं, करंट नहीं कहेंगे। करंट तब कहेंगे जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, अभी मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा। तो जो एक साल के अंदर अंदर है उसे मैं क्या कहूंगा? लेस देन वन ईयर, यानी 17 के साल वाला लेस देन वन ईयर। अच्छा जो एक साल के बाद है और दो साल के अंदर अंदर है, 1 to 2 years। और जो दो साल के बाद है और तीन साल के अंदर अंदर है, 2 to 3 years। ठीक है, ओके। मे बी नोट नंबर 3 फाइनेंस लीज। ओके 3.1 वो जो इंग्लिश लिखनी होती है, 3.2 साथ वाले को ना डीमोटिवेट ना किया करें, या रोजाना आया करो या ना आया करो, उसे प्यार मोहब्बत से समझा दिया करें छुट्टी करने के नुकसानात। समझाएं जरा, दाएं बाएं में नजर मारें, पिछले हफ्ते में किसी ने छुट्टी की हो। जल्दी जल्दी, एक मिनट आपको दे रहा हूँ, जरा दाएं बाएं नजर मारें और उसे कहें अभी से FR2 में तुम्हारे ये हालात हैं तो। ओके मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो। जी मेरा कैलेंडर, मेरा साल कौन सा है जो रेलेवेंट है मेरे लिए? 16। 16 के साल में खड़े हुए एक साल के अंदर अंदर कौन सी पेमेंट्स आएंगी? बोले 17 की। तो लेस देन वन ईयर कितना आ गया? हाँ यहाँ पर सिर्फ इंस्टॉलमेंट आनी है, यहाँ प्रिंसिपल नहीं आना, हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। ओके 1 to 2 years। टू टू थ्री ईयर्स 500। जरा सोचिए ये साल कौन सा है लेस देन वन ईयर? 1 to 2 year, 2 to 3 years 19। ओके क्या हो गया? 1500। क्लियर। ओके जी अगली चीज। अच्छा अगर ये सवाल लेसी का होता तो आप क्या करते? तो यहां पर नोट खत्म हो जाता। अगर ये सवाल लेसी का होता, अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको, मैं कहूंगा यार इसी सवाल को एज्यूम करें, लेसी के नोट बनाएं। लेसी के नोट और लेसर के नोट में फर्क बताएं। रिकॉन्सिलिएशन एक्स्ट्रा चीज है, वरना पहली दो चीजें सेम है। हाँ इंग्लिश में थोड़ा सा वो आता है कि वी हैव एंटर्ड इनटू लीज एज अ लेसी, और लेसर लिखते हैं आई हैव एंटर्ड इनटू लीज एज अ लेसर। बस इंग्लिश में थोड़ा एक लफ्ज का फर्क आता है लेसी लेसर का। बाकी यहां तक बताएं किस किस का नोट सेम है? लेसी और लेसर का नोट सेम है। जिन हजरात ने छुट्टी की थी फोकस करें, बात आसान है, समझ आ जाएगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं। अच्छा जी तो लेसी और लेसर का नोट जो है वो सेम है, चाहे आप जो है
वो लीज का जब सवाल सॉल्व कर रहे हो तो लेसी हो या लेसर हो, यहां तक आपने नोट बनाने। लेकिन अगर लेसर का सवाल है तो हमें एक एक्सेजी फर्स्ट रो में आओ, दोनों आ जाओ, हमें एक एक्स्ट्रा चीज बनानी है, डेट इज कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन। ओके, इसको कहते हैं टोटल लीज रिसीवेबल। टोटल क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी पड़ा है, ये टोटल है, इसमें प्रिंसिपल ये है, इसका इंटरेस्ट ये है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट को जमा कर दें, ये टोटल आ गया, तो टोटल लीज रिसीवेबल। टोटल लीज रिसीवेबल, ओके, व्हाट इज टोटल लीज रिसीवेबल? 1500। फर्स्ट रो में आ जाए, टोटल लीज रिसीवेबल, पंद्रह सौ एट अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। जब एसेट लेसर के पास वापस आ जाएगा तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, और ऐसी रेजिडुअल वैल्यू जिसको किसी ने गारंटी नहीं किया, अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया कि एसेट इतने का है, फिर भी बाजार जाके इतने में बेच सकता है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। बहरहाल ये मैंने ऐसे ही बात कर दी, अभी इसको समझाना मकसूद नहीं था, इसलिए ये क्या लफ्ज़ है इसको छोड़ें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, असल में इन पैसों को हम इसलिए लग रखते हैं कि ये हमने लेसी से नहीं लेने होते, जब लेसर के पास एसेट वापस आता है तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू बाजार में बेच के रियलाइज कर लेते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ना इसके लिए अलग लाइन डालते हैं, फिलहाल इसको छोड़ें। अब मुझे बता दें ग्रॉस पैसे लेसर ने इस एसेट की मद में कितने रिकवर करने हैं। ग्रॉस, ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है अभी तक क्या माइनस नहीं हुआ, इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। ग्रॉस पैसे लेसर ने फ्यूचर में कितने रिकवर करने हैं, 1500, 1500 पैसे लेसर ने फ्यूचर में रिकवर करने हैं इस एसेट की मद में। अच्छा जी, अब ग्रॉस में से, जैसे सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते थे नेट सेल आ जाती थी, ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे, ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम, लेस इंटरेस्ट इनकम, अनअर्नड इंटरेस्ट इनकम। अनअर्नड इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहली रो में आ जाओ, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, आप रोजाना लेट आते हो उसे टाइम पे आया करना है। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, अनइंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपने यहां आ जाना है, यहां आके आपने सोचना है व्हाट वेंट इन 16 का प्रॉफिट एंड लॉस, 16 के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या गया था, जो 16 के प्रॉफिट एंड लॉस में गया था वो आज तक का अर्न्ड है। अब लाइन का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज इंटरेस्ट जब भी आ जाए वी हैव नथिंग टू डू विद दिस लाइन, अब इस लाइन का हमारे से कोई ताल्लुक है। ओके, नाउ आई नीड अनअर्न इंटरेस्ट इनकम, जो मैंने अभी तक नहीं कमाई। क्या 15 की इनकम मैंने कमा ली होगी 16 के एंड पे खड़ा हूं, क्या वो 15 के प्रॉफिट लॉस में जा चुकी होगी, मैं 16 के एंड पे खड़ा हूं, 16 की इनकम भी कमा ली होगी, मिली नहीं मिली, मिली मिली वो मुझे नहीं पता, उससे उसको छोड़े, कमा ली होगी, अर्न कर ली होगी, रिसीव हुई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं 16 में खड़ा हूं तो जब से लीज शुरू हुई है तब से लेके 16 तक सारी इनकम मैं प्रॉफिट लॉस में लेके जा चुका हूं। अब मुझे बता दें 15 की इंटरेस्ट इनकम मैं कमा चुका, 16 की भी कमा चुका, जरा 16 की इंटरेस्ट इनकम ढूंढें, जल्दी जल्दी 16 की इंटरेस्ट इनकम ढूंढें, ये लीज शुरू हुए 2 साल हुए, ये दोनों इनकम्स कमा चुका, इंटरेस्ट इनकम अर्नड, इफ इट इज अर्नड देन दीज बोथ आर, हाँ दीज बोथ विल बी अर्नड इन फ्यूचर, तो दीज आर कॉल्ड एज अनअर्नड। ओके, व्हाट इज अनअर्न, ब्रैकेट में इधर लिखना है, लेकिन अभी मेरा जगह नहीं है, इधर लिख रहा हूं जी, 101 + 54 1 55 जी 1345। अच्छा, आप दूसरे साल का नोट बना लें, मैंने आपको थोड़ा सा ना जरा जल्दी में बता दिया था, नेट इन्वेस्टमेंट फेस पे नजर नहीं आ रहा रिकनसाइल हो रही है, लेकिन हकीकत में रिकनसाइल हो रही है, या आखिर में 1-2 मिनट में जरा जल्दी में बात की थी, इस पे अब तसल्ली से बात करेंगे, पहले यहां तक नोट कर लें, क्या चीज 155 अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। दूसरे साल का नोट इस सवाल का, कल वाले सवाल का, कल आए थे आप? अच्छा,
कल आपके घर वाले हैरान हो गए कि पेपर अभी इतनी दूर है, बच्चा अभी से 7-8 घंटे दिन में पढ़ने लग गया है, सुबह सुबह इतवार को उठ के नाश्ता करके आप ऐसे बैठे कि जोहर में जाके घर वालों को बताना पड़ा जोहर का टाइम हो गया है। जी सुबह 9 बजे उठे, हाथ खड़ा करें, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ओ तेरी है, 1 बजे, जो रात नींद पूरी करना चाहते हैं नींद कभी पूरी नहीं होती, इसलिए टाइम पे उठ जाया करें। मोहम्मद बिन कासिम इतवार को 12-12 बजे तक सोता नहीं रहता था। ये गलत क्यों लिखवाया हुआ है ये बताएं ना। माशाल्लाह 100 के 100 लोग सोए हुए हैं, ये क्या आ रहा है 144, और ये तो सही है। हाथ दोगी आप भी। साथ वाले को ऐसे करें, हाथ दोगी तुम भी। अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट के लिए लेसी लफ्ज़ क्या यूज़ करता था? प्रेजेंट वैल्यू। कल की क्लास का शुरू अभी दोबारा रिवाइज कराऊंगा। नेट इन्वेस्टमेंट के लिए लेसी क्या लफ्ज़ यूज़ करता था? प्रेजेंट वैल्यू। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए लीज पेमेंट्स, और नेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अच्छा भाई अगर तो सवाल हुआ करेगा एरियर का, तो ये फिगर जो है ना 1345 वाली, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर नज़र आया करेगी बैलेंस के कॉलम में, जैसे कि कल की क्लास के अंदर जो है वो नजर आई थी। भाई एंड से जंप करके बैठ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, तो आगे आ जाओ, तो आपको ये डायरेक्ट फिगर नजर आएगी, लेकिन एडवांस के सवाल के अंदर ये 1345 आपको शेड्यूल के अंदर नजर नहीं आएगा। इस 1345 को पहले मैं एक सिंपल सी डायग्राम बना के आपको साबित करने लगा ये सही है, फिर पेपर में भी बता दूंगा इसको आपने कैसे मैच कराना है, वो एक शॉर्टकट है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग कट समझ लें। क्या 31/12/16 को यही प्रेजेंट वैल्यू आ रही है या नहीं, ये मैं जरा चेक कर लेता हूं। क्या 31/12/16 को यही प्रेजेंट वैल्यू आ रही है या नहीं? ओके, इट इज 31/12/16, देन इट इज
31 12 17 देन इट इज बोल होंट लाइन 31 12 देन इट इज 31 12 19 इफ आई एम स्टैंडिंग इन 16 31 12 16 तो 31 12 16 के बाद देखें पहला किराया कब आने यकम जनवरी 17 को फिर अगला किराया 17 का साल 18 का साल और 19 का साल इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31 12 16 तो मुझे कौन कौन से किराए आने हैं यकम जनवरी 17 वाला दोबारा फोकस करें इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31 12 16 तो मुझे कौन कौन से किराए आने हैं यकम जनवरी 17 वाला यकम जनवरी और यकम जनवरी 19 वाला अच्छा जी इफ यू वॉन्ट कि मुझे रिकंसिलिएशन मैच करे तो उसका तरीका देखें 31 12 16 पे खड़े होकर डिस्काउंट कर दे इनको इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31 12 16 तो इस 500 को डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक दिन बाद मिल जाना है 500 बचे 2 प्लस 500 इनटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पार ये वाला 500 तो इधर आ गया कितने 500 बचे 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.12 1345 तो ये रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई तो फेस पे क्यों नहीं नजर आ रही फेस पे अगर आप कभी देखना चाहें तो पीनट अप्रोच है एक ये अपने से हमने नाम रखा है पीनट अप्रोच आप कैश्यू नट रख दीजिएगा तो पीनट अप्रोच है तो पीनट अप्रोच के मुताबिक जो है फिर आपको थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा इसको अच्छा इन दोनों को जरा टोटल करके देखें आ रहे असल में आपको पता है थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो अगले साल रिसीव हो रहा होता है आपको पता है 16 के साल का इंटरेस्ट कब रिसीव हो रहा होता है 17 के शुरू में अगर आप टेबल से रिकंसाइल करना चाहें तो ऐसे होगा लेकिन ऐसे लॉजिक समझ नहीं आती इसलिए इसको छोड़ें लॉजिकल बात यह है इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31 12 16 इट इज द लॉजिक इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31 12 16 देन कैन यू टेल मी द प्रेजेंट वैल्यू 1345 एंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एज पर माय कैलकुलेशन 1345 तो अगर 1345 को आप स्टार डाल के वो वाली कैलकुलेशन आप कर लेते हैं तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि रिकॉन्सिलिएशन आपकी मैच कर गई है बट पेपर में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं वो जो आपने लाइन लगाई होगी ना लाइन उस लाइन से ऊपर वाली फिगर और इंटरेस्ट को जमा किया करेंगे फिर भी मैच कर जाया करेगा लेकिन असल लॉजिक लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है Peanut approach will 100% work, will 100% work in each scenario. लेकिन किन सवालों में एडवांस के सवालों में ऐसा करना पड़ेगा या एरियर के सवालों में एरियर के सवाल में तो फेस पे आप देखेंगे फिगर मैच कर जाया करेगी अच्छा थोड़ी सी ना इसकी भी ऐसे ही वजह देखनी है तो ये भी जरा सुन लें इसकी भी वजह देखनी है तो सुन लें असल में ये इधर देखें ऊपर सारे व्हाट इज दिस प्रेजेंट वैल्यू व्हाट इज दिस प्रिंसिपल इट विल नॉट बी इक्वल टू 2500 इज ग्रॉस एंड 2019 इज प्रिंसिपल अच्छा ये जो आगे फिगर्स चलती है ना ये सिर्फ प्रिंसिपल का बैलेंस होता है ऐसा ही है
जब ये प्रिंसिपल का बैलेंस है तो दिस 1201 इज शोइंग, दिस 1201 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज थ्री. दिस 1201 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज थ्री. उसमें जो इंटरेस्ट मिलना है फौरन वो शामिल नहीं है, एक दिन बाद मिल जाना. लेकिन एरियर के सवाल में ये मसला नहीं आएगा कि प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट जमा करो और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, क्योंकि एरियर के सवाल में जो इंटरेस्ट है वो एक दिन पहले मिल चुका होगा, रात को ही मिल चुका होगा. इस दिन इंटरेस्ट मिलना कब है? अगले साल के पहले दिन. तो दिस प्रिंसिपल इंक्लूड्स, दिस वैल्यू इंक्लूड्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज थ्री प्रिंसिपल्स, बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग. तो वो एक दिन बाद ही मिल जाना है, इसलिए इसको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं. जब डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं तो 1201 में आप 144 ऐड करेंगे, यू विल एग्जैक्टली गेट द सेम फिगर. ठीक है, तो यहां से भी अगर थोड़ी सी लॉजिक समझनी है वो समझ लें, बट इन द एंड आई विल से आपने बस अनअर्न की फिगर ठीक पकड़ा करनी है और ये पीनट लगा के चेक कर लिया करना है, आपका मैच कर जाएगी रिकॉन्सिलिएशन. ये किन सवालों में होगा? क्योंकि हमारे साल का जो इंटरेस्ट मिलना है वो साल के आखिरी दिन मिलना है, अगले साल के पहले दिन मिलना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, उसको सिंपली जमा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जी भाई आप आ गया हो मोहतरम भाई, इधर जगह बनाएं, सेकंड लास्ट रो में, सेकंड लास्ट रो. ओके जी एक मिनट लगाएं, 17 का नोट बना दें, एक मिनट लगाइएगा, ज्यादा टाइम नहीं. लेसर का बनाएंगे, लेसी का, लेसर का बना दें, एक मिनट लगाएं, 17 का नोट बना दें. जल्दी 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 एक मिनट लगाएं, ज्यादा टाइम नहीं. कितने उन्होंने बना लिया, बाकी बनाएं जल्दी करें, 17 के साल का नोट बनाएं. जी कितना मैं बना लिया, हाथ खड़ा करें. जी सबसे पहली बात, फॉर मैच्योरिटी एनालिसिस कोई बात बताएं, कोई फिक्रा बोले मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए, क्या उर्दू का फिक्रा जहन में बोलेंगे? प्लीज़ प्लीज़ ये साथ साथ चलें, ये ज़रा उर्दू के फिक्रे साथ साथ बोलें. 2017 का नोट बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर जाके देखेंगे 17
तो 17 के साल की पेमेंट, अगर 30 जून 17 हुआ तो 30 जून 17 ईयर एंड होगा, लेकिन अभी 31/12/17 ईयर एंड है, तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे। 31/12/17 के साल के लिए कौन सा एक साल के अंदर अंदर है? नहीं, आप डेट्स बोले, आप डेट्स बोले, क्योंकि अगले सवाल से डेट्स शुरू होनी है। 30 जून का ईयर एंड होगा, फिर वहां पे आपका दिमाग ताके चलता रहे। बोले 31/12/17 के साल के लिए कौन सा साल एक साल के अंदर है? आप ढूंढने 31/12/18 में कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? एक, इट इज लेस देन वन ईयर। इसी तरह 31/12/17 के लिए कौन सा साल एक साल के बाद लेकिन दो साल के अंदर है? 31/12। ये नोट यूजर को कब बना के देंगे? ये वाला नोट यूजर को किस वक्त बना के देंगे? 17 के एंड पे, और उसे कहेंगे आप पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, अब पैसे और एक साल के मिल गए हैं, इसलिए आप सिर्फ 500 और 500 रिकवरेबल है। ठीक है, अच्छा जी, आप बता दें टोटल पैसे लीज की मद में कितना रिकवरेबल है? जब लेसर के पास ये एसेट आ जाएगा लेसी से वापस, तो लेसर ने इस एसेट का क्या करना, बैंक एसेट का कुछ नहीं करता, बैंक ने कोई चीजें नहीं बनानी होती मशीन से, तो बैंक इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू रियलाइज करेगा बाजार से जाके, लेकिन अभी तक किसी ने बैंक को ये वैल्यू गारंटी नहीं की हुई, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। बहरहाल वो सवाल में गिवन नहीं है, इसलिए आई एम टेकिंग इट एज जीरो। लेसर को इस एसेट की मद में फ्यूचर में कितने पैसे मिलने हैं? बोले बोले 1000। आप बता दें इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/17 तो 15 का इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड हो चुका होगा, 16 का भी रिकॉर्ड हो चुका होगा, और अब लाइन से कुछ नहीं करना, अब सिंपल सोचना जी, वेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ 17, वेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ 17? 17 के पहले दिन नहीं मिल सकता, 18 के, तो इट इज अर्नड इन 17, सो व्हाट इज अर्नड ओनली 54, ओके 946। अब ये एडवांस का सवाल है, इसमें प्रॉब्लम है कि बैलेंस के कॉलम के फेस से पता नहीं चल सकता, क्योंकि एक इंटरेस्ट भी है जो नहीं मिला हुआ अभी तक, वो भी मिलने वाला है जी। आप बता दें इस तरह एग्री कर रहे हैं? कितना लोगों ने चेक कर लिया था? 845+101। चलें जी आज वाला सवाल पढ़ लें। अब नोट में तो मसला नहीं आएगा लेसर के, यहां नोट के ऊपर आपने लिख लिया, लेसी सेम पैटर्न पे बनाता है, सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनाता। यकम जुलाई 2010, चूहा कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक
डिटेल्स ऑफ द बैंक आर एस, डिटेल्स ऑफ द लीज आर एस फॉलोज, बैंक को काटें इधर से जोर भाई, बैंक को काट दें, डिटेल्स ऑफ द लीज आर एस फॉलोज, नंबर वन कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 51 मिलियन, बैंक ने आउटसाइड वर्ल्ड से हमारे लिए मशीन कितने की खरीदी, 51 मिलियन की, द लीज टर्म इज 3 years एंड यूजफुल लाइफ इज 5 years, इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10 मिलियन इज टू बी पेड सेमी एनुअली इन एडवांस, तो ठीक है अभी तक सेमी एनुअल एडवांस का सवाल नहीं हुआ था, ये भी हो जाएगा, ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी, ओके अच्छा जी ये बता दें हमारा पहला साल कौन सा होगा, बोले 30 जून 11, दूसरा साल, तीसरा साल 30 जून 13, अच्छा जी ऊपर देखे ना, अगर जरा सोच के बोलने, अगर एनुअल एरियर का सवाल है तो पहला किराया किस दिन आएगा, इधर डेट अगर मैं लिखना चाहूं, दूसरा, तीसरा, अगर सेमी एनुअल एरियर का सवाल है, अगर सेमी एनुअल एरियर का सवाल है तो पहला किराया कब आएगा, 31, 12, 10, 10 और 30 जून, ये दो किराए खत्म, सेमी एनुअल एरियर का सवाल है, इस साल पहला किराया कब आएगा, छठे महीने के एंड पे, छठे महीने के कब कब, 31, 12 और फिर 30 से 12, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनके तो जहन में ज्यादा बेहतर होगा कि 1 जुलाई से साल शुरू भी हो जाता है, अच्छा इस साल बोले पहला किराया कब आएगा, 31, 12 और दूसरा 30 से 13, अच्छा लेकिन हमारा सवाल किस चीज के, एनुअल एडवांस का, तो 30 जून 11 के साल का पहला किराया कब आएगा, 1, 7, 10, 10 होश की नील लेके बोला करें, और दूसरा 1, 1, 11, ये हमारे पूरे साल का किराया हो गया, ठीक है जी, 30 जून 12 के साल में पहला किराया कब आएगा, 1, 7, 1, 1, ये स्केच आपके माइंड में होना चाहिए, बनाना नहीं पेपर में, 30 जून 13 के साल में पहला किराया कब आएगा, पहला 1, 7, 12 और दूसरा 1, 13, ओके ये आप बना सकते हैं, इस पेज पे फिर सवाल करना शुरू करते हैं, ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है लेकिन जहन में होना चाहिए, बॉक्स वाली चीज लिखें, नीचे डेट्स खुद लिखें, बॉक्स वाली चीजें लिखें, जी एंड लिखें, फिर डेट्स खुद लिखें, किस किस दिन किराया आएगा,
इजलाल जगह बनवाएं। ओके भाई टाइम पे आए हो, अभी सवाल शुरू होने लगा है। इससे पहले हम शेखुपुरा से हो आए हैं। ओके क्या वजह बनी? वाडा ने रोक लिया था। ओके लीज पेमेंट्स की जगह लेसर क्या लस यूज करता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की जगह ओके चलिए जी बताएं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोले कितना किराया आना है? रुपीज 10 मिलियन। कितनी दफा? 6 इंस्टॉलमेंट्स। कितनी दफा? 6 किस्तों में आना जी। रुपीज 60 मिलियन। देखिए पेपर में आपके पास डायग्राम बनाने का टाइम नहीं होगा, जिस तरह डायग्राम बना के हम फिगर्स को डिस्काउंट करते थे, तो क्यों ना ऐसा करें, इधर देखें आज क्यों ना ऐसा करें कि जब हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ली, ये तो सबको समझ आ गया था ना, ये तो आपने ही बनवाया। जब हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ली तो क्यों ना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लें और डिस्काउंटिंग फिर करें, ताकि डिस्काउंट करना हमें आसान फील हो। ज़रा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब आप नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट ना करें, क्योंकि डिस्काउंटिंग में एरर हो सकती है, डिस्काउंट करना सबको अच्छा नहीं आता। डिस्काउंटिंग की रिवीजन किसी दिन हम करेंगे, एक दो दिन बाद, अब जब काफ़ी सारे सवाल हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6 सवाल हो जाएंगे क्लास में, फिर डिस्काउंटिंग की रिवीजन करेंगे। ओके डेट बोले बोले इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस। ओके डेट बताएं पहली कौन सी है? 1 जुलाई 2000। ये डेट तो लिखनी होती है वैसे ही, इसके सामने प्रेजेंट वैल्यू आती है, इसको छोड़ें। इसके अलावा बता दें कि हमारे 30 जून 2011 के साल का किराया कब कब आना है? बोले 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 1/7/10 1/1/11 इस जहन में है, हम 30 जून 2011 के साल में हैं। फोकस ये डेट छोड़ें, ये पहली डेट तो आनी है, हम ये 30 जून 2011 का साल है। सोचे 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 30 जून 2011 का साल है, 1 जुलाई 30 जून 2011 का साल है ना, 1 जुलाई 10 1 जनवरी 2011 ये किराया आ जाएगा किस साल का? 30 जून 2011 के साल का कितना? ओके वी विल नाउ मूव टूवर्ड्स 30 जून 2012 उधर मत देखें, 30 जून 2012 के साल का पहला किराया कब आएगा? 1/7/11 और 1/1/12 नेक्स्ट 30 जून 2013 30 जून 2013 के साल का पहला किराया कब आएगा? 1/7/12 और 1/1/13 कितना? 10 तो मैं ये कह रहा हूँ ये फिगर्स अब आपके सामने, आप डिस्काउंटिंग आसान होगी वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो ये पहले आप बना लें फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। Now you are standing on 1 July 10. लीज का पहला दिन, बता दे किस 10 को डिस्काउंट नहीं करना? किस 10 को डिस्काउंट नहीं करना? पहले वाले 10 को, पहले वाले 10 को डिस्काउंट नहीं करना। पीछे बताएं बचे कितने 10?
तो एन को क्या ले लेंगे? पांच, पांच। ये आसान सी चीज, आसान। एन को क्या ले लेंगे? पांच। किस दस को डिस्काउंट नहीं करना? अच्छा देख लें, सिंपल डिस्काउंटिंग लगानी है या एनओटी? क्योंकि पेमेंट कॉन्स्टेंट है या बदल रही है? अगर पेमेंट कॉन्स्टेंट है तो फिर सिंपल डिस्काउंट लगेगा एनओटी। किस दस को डिस्काउंट नहीं करना? वी आर स्टैंडिंग ऑन जकम जुलाई 10। यहां पे खड़े होके मुझे चाहिए ना प्रेजेंट वैल्यू, या यहां पे खड़े होके मुझे लेसर की जबान में अगर मैं बात करूं मुझे क्या चाहिए? नेट। तो ये तो ग्रॉस है, ये तो ग्रॉस है, मुझे नेट चाहिए। अगर यहां पे खड़े होके मुझे नेट चाहिए तो विच 10 डज नॉट नीड टू बी डिस्काउंटेड? और बाकी 10 कितने बचे? काउंट 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 10 को क्या कर लें? डिस्काउंट कर लें। तो व्हाट विल बी माय एन? 5 or 6? Why not 6? क्योंकि एक 10 को डिस्काउंट। अच्छा ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट साल का उठाने 6 महीने का, रेट साल का उठाने 6 महीने का। अब जरा देख के बताएं रेट गिवन किसका है? साल का। हमें किसका चाहिए? 6 महीने का। तो सिंपल डिवाइड करें 14 × 6/12, या 3/12 करना करते अगर क्वार्टरली का सवाल होता। अभी सेमी एनुअल के इंटू 6/12 जी 7%, तो 7% लगा के हम कर लेंगे। जरा ये बात समझ आई? अब पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ली, फिर इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लिया, फिर भी डिस्काउंटिंग आपको इजी फील होगी। वरना बड़ा लंबा काम करते थे, टेबल बनाते थे, फिर देखते थे इसको इधर बुलाओ इसको इधर बुलाओ, वो आ ही नहीं रही होती थी, बार बार बुला रहे होते थे हम। ओके, तो बजाय के उधर डुप्लीकेशन हो, यहां से भी बात समझ आ जाती है कि किसको डिस्काउंट करना है और कितने एन बचे। किसको डिस्काउंट करना है, कितने एन बचे, क्योंकि ये तो बनाना ही बनाना है। और अगर कोई परचेज ऑप्शन होती तो वो 30 जून 2013 को होती लीज के एंड पे, वो अलग से आती, उस पर फिर सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते, वो भी लगा लेंगे किसी दिन जी। ये कितने लोगों को इजी बात लगी, इधर हाथ खड़ा कर दे। पहले साल सोच लिया, फिर उसके बाद क्या प्लॉट कर दी? इंस्टॉलमेंट्स। बड़ा फेस पे देख के पता चल जाएगा, दिस 10 डज नॉट नीड टू बी, सो हाउ मेनी 10 रिमेन्स देयर? 1। तो व्हाट इज एन इन फॉर्मूला? 5। ओके लेट्स स्टार्ट। नेट इन्वेस्टमेंट कौन सा वाला? 10, पहले वाला 10 प्लस, बाकी कितने 10 हैं? 5, इसलिए माइनस 5 पहले लिख जाते हैं। ओके, 1 minus 1 plus 0.07 means raised to power divided by point is equal to rupees 51 million. Answering a very important question, जो आपके जहनों में घर में कभी आता होगा या कभी ना कभी जिंदगी में आपके जहन में आया होगा सवाल, 6-7 दिन से हम जो बात कर रहे हैं। अब जब मैंने सवाल शुरू करना है तो क्या मैं रुपीज इन मिलियन के अंदर ही रहूं? पहली ऑप्शन। फिर क्या होगा देखें, फिर ये होगा, फिर यहां 10 आ रहा होगा, यहां 7 आ रहा होगा, यहां 3 आ रहा होगा, एंड इट वुड बी मोर आई कैचिंग। ऑप्शन 1 कि मैं पॉइंट के बाद डिजिट यूज ना करूं। ऑप्शन 2 यहां पे मिसाल के तौर पे 7.1 आ रहा होगा, यहां 2.9 आ रहा होगा। गेटिंग द पॉइंट? ऑप्शन 2, ये मेरा अपना डिसीजन है, अब ये आई कैप मुझे गाइड नहीं करेगा, ये मेरा अपना डिसीजन है। एंड ऑप्शन नंबर 3, मैं यहां पे 7.22, फिर यहां पे 2 पॉइंट कुछ जो भी आएगा वो करूं। तो अब आपके जहनों में ये सवाल शायद पहले दिन से घूम रहा हो कि हम किस सवाल में फिक्स रहा करें इसी के ऊपर और किस सवाल में मूव कर जाए उसके ऊपर। अब इधर एक फिगर आ रही है जोर भाई 10 की, ये 10 की फिगर आ रही है ना, इस वजह से मैं मजबूर हूं कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट यूज करूं, क्योंकि आपको आसान फील होगा, मुझे इशू नहीं है, आपको आसान फील होगा। ऐसा हो सकता है कि इधर 9 आए
इधर राउंड करके वन आ जाए, फिर इधर नाइन आए, फिर इधर राउंड करके वन आ जाए, जब वो नाइन और वन, नाइन वन दोनों आएंगे ना, तो आप कहेंगे ये कैसे होता है, इसका भी वन इंटरेस्ट है, इसका भी वन इंटरेस्ट है। तो राउंड करने की वजह से ये चांस है, इसलिए मैं एहतियातन पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज़ कर रहा हूँ। वरना अगर ये फिगर 20-25 की होती ना, तो फिर तो मैं पॉइंट के बाद डिजिट भी यूज़ ना करता। पॉइंट के बाद मैं डिजिट इसलिए यूज़ करना पसंद ना करता कि यहाँ अगर 25 है तो यहाँ जो है वो 20 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता, यहाँ शायद आखिरी साल 19 आ जाता, 6 आ जाता, कुछ इस तरह का चलता रहता, फिगर्स डिफरेंट होती। तो फिगर्स में थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए अगर शुरू से आप पॉइंट डाल देते हैं तो एंड के ऊपर आपको वो जहन में सवाल नहीं आएगा कि 2-6 महीने का इंटरेस्ट बराबर क्यों आ रहा है। लेकिन इन एनी केस अगर आप पॉइंट के बाद कोई डिजिट भी इस्तेमाल नहीं करते, इसकी भी आपको इजाज़त है। एहतियात के दर्जे में मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएं और पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज़ कर लें, एक डिजिट यूज़ करें, नहीं दिल चाहता ना करें, तो इट्स ओवर ऑन डिसीजन। ओके, ये तो एडवांस का सवाल है। 0 जी, कितना? 10, 41। आप कैलकुलेटर पकड़ें और कैलकुलेटर पकड़ के 41 पे लगाएं, 7%। पॉइंट के बाद कितने लोगों ने एक डिजिट पे सेट कर लिया, कैलकुलेटर हाथ खड़ा करें। ओके, 2.9, 7.1 जी, 33.9, ओके, 2.4, 7.7 है ना, आप फिर कैलकुलेटर को ऑन करेंगे दोबारा, 10 माइनस 2.4, 7.6। जिन्होंने सेट नहीं किया वो फिर ऑन करें दोबारा, और 10 माइनस 2.4, 26.3। कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है वैसे? 1.8 डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, 1.8, 8.2, 18.1। सारे ऊपर देखें, पॉइंट के बाद डिजिट यूज करने का फायदा हो गया, देखें कैसे, 2.4 भी राउंड करके 2 हो जाना था, 1.8 भी राउंड करके 2 हो जाना था, तो फिर आपने कहना था ये कैसे हो सकता है कि 6-6 महीने का इंटरेस्ट बराबर हो, हालांकि लीज लाइबिलिटी गिरती जा रही है, वो भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट एहतियातन यूज़ कर लिया करें अगर फिगर छोटी हो। अगर बड़ी हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल पॉइंट के बाद डिजिट यूज़ करने की ज़रूरत है। 1.3, 8.9, 9.4। अगर कैलकुलेटर पे चलें तो पहले मुझे बताएं क्या हो रहा है, कैलकुलेटर पे चलाएं, 0.7, कैलकुलेटर पे चलें, 0.7 आ रहा है, 9.3। अब ये 0.1 का मसला आ गया, तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने कहा था कि आखिरी साल आपने इस फिगर को इधर लिख दिया करना है एज इट इज़, और इंटरेस्ट को बैलेंसिंग निकाल लेना है, 0.6 कम्स टू 0। So it is the benefit of using one digit after the point. जी भाई, लेसर के सवाल में पहली जर्नल एंट्री बताएं जो एक्स्ट्रा। अच्छा, ये क्या है, इंस्टॉलमेंट्स 6 हैं पर इंटरेस्ट 5 दफ़ा नज़र आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, आखिरी 6 महीने की इंटरेस्ट इनकम लेसर रिकॉर्ड, क्योंकि किराया किस में आ गया है, एडवांस में आ गया, सिमिलरली जिस तरह पिछले सवाल में बात की थी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ज़रा मुझे ये बता दें, लेसी की बैलेंस शीट में क्या आता है और लेसर की बैलेंस शीट में क्या आता है? लेसी की बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज़, उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट। और अगर सवाल एडवांस का हो तो लेसी की बैलेंस शीट में इंटरेस्ट, लेसर की बैलेंस शीट में सिर्फ एक चीज़ आती है,
लीज रिसीवेबल, लीज और उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट इनकम। और अगर सवाल एडवांस का हो तो बैलेंस शीट में एक और चीज नजर आएगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेसर एक एक्स्ट्रा एंट्री करता है, जरा पहली लाइन में पढ़ के बताएं, तारीख बताई हुई है, किस दिन एसेट खरीदा है बताई हुई है। ऑन यकम जुलाई 10 माउस कंपनी एक्वायर्ड फ्रॉम, नहीं यस यू आर राइट, नहीं बताई हुई। ऑन यकम जुलाई 2010 माउस कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज, डायरेक्ट लीज बताई हुई है, ये नहीं बताया हुआ बैंक ने एसेट कब खरीदा। अब पहली एंट्री आई कैप नहीं करता क्योंकि बैंक ने जब एसेट खरीदा उसकी डेट नहीं बताई हुई, लेकिन मैं कर देता हूँ आपके समझने के लिए, जरा कर देता हूँ ताकि ये एंट्री स्किप ना हो, याद रहे। जी हमारा पहला साल कौन सा है, 30 जून 11, ईयर एंड ही लिख दिया करें, ईयर एंड 30 जून 11, ईयर एंड 30 जून 11, 30 जून 11 के साल की मेरे भाई हम जनरल एंट्रीज करने लगे हैं। ओके, यकम जुलाई 10 को मैं ज्यूम कर रहा हूं बैंक ने एसेट खरीदा होगा बाजार से जाके, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, जी बोलें कितने थे? नहीं नहीं बताया हुआ किस दिन खरीदा है, मैं ऐसे ही ज्यूम कर रहा हूं ताकि पहली एंट्री याद रहे, कभी स्किप ना हो। आप ये एंट्री छोड़ सकते हैं पेपर में, जी बोलें 51। ओके, आप पहली लाइन पढ़ के बताएं, लेसर ने लेसी को लीज पे किस दिन दिया, 1/7/10 को। जी जब ये एसेट लीज पे दे देंगे तो ये लेसर एसेट अपनी किताबों में रखेगा या एसेट की बजाय पैसे लेने का हक अपनी किताबों में रखेगा, दोबारा सोचें ताकि सेंट्री की लॉजिक याद रहे। जब ये एसेट लेसर लेसी को लीज पे दे देगा तो लेसर अपनी किताबों में एसेट को शो करेगा या पैसे लेने का हक शो करेगा, तो एसेट को कम कर दें और पैसे लेने के हक को बढ़ा दें। एसेट कम करने के लिए क्या करें, एसेट क्रेडिट और डेबिट जी। ओके, यहां पे लिख लें नेट इन्वेस्टमेंट, ये फिगर हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट से आया करेगी, ये उस दिन मैंने आपको नहीं लिखवाया था, तो जैसे यहां लिख लें नेट इन्वेस्टमेंट जी। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट 51, ये इसके बराबर आया करेगी। इसकी वजह क्या है, इसके लिए कुछ दिन वेट करें। लेसर की कोशिश होती है जितने का एसेट खरीदे कम से कम उतने पैसे तो लेसी से मैं लूं, लेसी की जान लूं, लेसी से उतने पैसे तो कम से कम मैं ले लूं जितने का एसेट है। ओके चलें जी, अब तो सिंपल, ये हमारा पहला साल है, ये हमारा दूसरा साल है, ये हमारा तीसरा साल है। ओके, पहले साल में भाई कितने किराए आए, 2। कितने किराए आए पहले साल में, कितने किराए आए पहले साल के पहले दिन भी किराया आया और सातवें महीने के पहले दिन भी किराया आया। पहले साल में कब कब किराया आया जरा बोलें, पहले महीने के पहले दिन और सातवें महीने के पहले दिन। दोबारा बोलें, पहले साल का किराया कब कब आया, किराया आया कब, किराया आया मींस अभी मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग पे चल रहा हूं, एक्रूअल की तरफ मूव करूंगा अभी, एक्रूअल में फिर इंटरेस्ट इनकम की बात करूंगा, अभी मैं इंटरेस्ट की बात नहीं करा, अभी मैं कैश कैश की बात कर रहा हूं सिर्फ। पहले साल में किराया आया कब कब, पहले महीने के पहले दिन और सातवें महीने के पहले दिन, बस उसकी एंट्रीज कर लेते हैं जी। 1/7/10 जी बोले, कैश डेबिट कितने से, 10 से, और लीज रिसीवेबल क्रेडिट, बुक लीजिए। हाँ नेट इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये हमेशा बराबर होंगी, जब नहीं होंगी तब मैं बताऊंगा क्यों नहीं है।
ओके यहां पे एंट्री टाइम क्या होगी? कुछ लोग कहेंगे दो एंट्रीज कर दें, कुछ कहेंगे एक एंट्री इकट्ठी कर दें। कितने लोगों के जहन में 31, 12, 10 की एंट्री आ रही है? जरा हाथ खड़ा करें। और फिर अगली तारीख की एंट्री अलग जहन में आ रही है। अच्छा, ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। मैं फॉर द पर्पज ऑफ क्या कहते हैं कॉन्सिस्टेंसी, ताकि अगला साल भी आसानी से समझ आ जाए, मैं एक एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ 31, 12, 10 को। 6 महीने ख़त्म हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करता हूँ, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ज़रा आप सोच के बताएं, कहीं नहीं देखना, 31, 12, 10 के 6 महीने का इंटरेस्ट 31, 12, 10 की शाम को मिलेगा या 1 जनवरी 11 की सुबह? अब 1 जनवरी 11 की सुबह देख लें कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 2.9। जी बोलें, 2.9 इंटरेस्ट के क्या क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम यकम, ये किस अरसे का है? रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 1-7-10। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट एक्रू होना पहले दिन से ही शुरू हो गया था जिस दिन हमने एसेट लीज पे लिया था, फ्रॉम 1 जुलाई 10 टू 31, 12, 10। ये पहले 6 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किए या मिल गया? रिकॉर्ड किए या मिल गया? मिलेगा तो अगले दिन, मिलेगा तो अगले दिन। जी कितना बना? सोचिए 31, 12, 10 का इंटरेस्ट 31, 12, 10 की रात को नजर आएगा? वो कब नजर आता जब सवाल एरियर का होता? 31, 12, 10 के 6 महीने का इंटरेस्ट कब नजर आएगा? जी बोले 2. अब इसी साल के अंदर रहें, अभी साल खत्म नहीं हुआ, 1 जनवरी 11 को एंट्री करेंगे। जी 1 जनवरी 11 को एंट्री बता दें क्या करेंगे? बोले इधर देखें, कैश डेबिट होंठ हिलाएं अगर आए हुए हैं तो, इधर से बोले कैश डेबिट, होंठ हिलाएं सारे, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल, इंटरेस्ट इनकम, नहीं वो डबल रिकॉर्ड हो जाए, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। ओके, कैश डेबिट जी कितने से? 10 से। लीज रिसीवेबल जी 7.1 और इंटरेस्ट रिसीवेबल कितने से? 2.9। अब कुछ लोग इस एंट्री को 1 जनवरी 11 को इकट्ठा करके कर देते हैं क्योंकि साल खत्म नहीं हुआ होता, आपको पता है साल 30 जून 11 को खत्म होना है, तो मुनासिब है अलग अलग कर दें, पहले रिकॉर्ड करें फिर रिसीव कराएं। ना करो, एक्सेप्टेबल है, लेकिन आगे एक ऑपरेटिंग लिस्ट शुरू होनी है उसमें भी इसी तरह कराना ज़रा आसान होगा, तो पैटर्न जो मर्जी हो जवाब वही रहेगा, तरीका जो मर्जी हो एंट्रीज का। ओके, नाउ आई विल स्टैंड ऑन 30 जून 11। ये कितने महीने का इंटरेस्ट अभी तक रिकॉर्ड हुआ है? कौन से 6 महीने? पहले 6 महीने, ये पहले 6 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है। ओके, ज़रा साल के स्लॉट बता दें कौन कौन से थे, इधर अटेंटिव रहिएगा, साल के स्लॉट बता दें। पहला स्लॉट था 1 जुलाई से 31, 12, 10, उसका इंटरेस्ट कब मिला, रिकॉर्ड कब किया? साल का अगला स्लॉट बताएं, एक नहीं उधर मत देखें, 1-1 से इसका इंटरेस्ट एरियर में मिल जाता अगर एरियर का सवाल होता 30 जून 11 की रात को, लेकिन इसका इंटरेस्ट हमें नजर कहां आएगा? 1-7-11। तो 1-7-11 वाली फिगर उठाएं कितनी है? 2.4। जी बोले एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 2.4। व्हाट इज दिस? रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जनवरी 11 टू
30 जून 11। अब एक कोई रफ पेज खोल के, बेशक इसी से लेक्चर 6 वाले सफे की बैक पे पहले साल की एंट्रीज दोबारा कर दें, सिर्फ इसको देखकर, उधर मत देखें, रिवाइज करें पहले साल की एंट्रीज, वहां मत देखें, अब लेफ्ट साइड पे नहीं देखना, पहले साल की जनरल एंट्रीज दोबारा कर दें और सोचते हुए कि दूसरे साल की एंट्रीज कोई कमाल नहीं करना, पहले साल की एंट्रीज दोबारा कर दें कहीं रफ में जाके, डेट सही हो। इधर
ओके, जस्ट फोकस हियर। एसेट खरीदने की एंट्री, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट्स, इधर देखें, ये पैसे इधर इधर इधर, ये पैसे लेसी ने लेसर से किस मद में लेने हैं? लीज की मद में। एंट्री क्या होगी? लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। ओके, पहले साल के पहले दिन जब किराया आएगा तो एंट्री होगी कैश, बार 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 इधर देखें, इधर देखें, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। पहले साल का पहला दिन हो गया, आपने मुझे सोच सोच के बोलने हैं, मैं चार चीजें बोल रहा हूं, पहले साल का पहला दिन इंपॉर्टेंट है, और पहले साल के यानी पहले महीने का, पहले महीने का पहला दिन इंपॉर्टेंट है, छठे महीने का आखिरी दिन इंपॉर्टेंट है फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट इनकम, सातवें महीने का पहला दिन इंपॉर्टेंट है फॉर रिकॉर्डिंग कैश, बारहवें महीने का आखिरी दिन इंपॉर्टेंट है फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट इनकम। चार डेट्स बन गई, दोबारा सोचें, चार डेट्स बन गई, एक दो तीन चार। ओके, अटेंटिव रहें, पहले महीने का पहला दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? उधर मत देखें, फॉर रिकॉर्डिंग, छठे महीने का आखिरी दिन फॉर रिकॉर्डिंग, सातवें महीने का पहले दिन कैश, बारहवें महीने का आखिरी दिन। इससे कितने लोगों को बात समझ आई है? ये चार चीजें हैं, बार बार सोचें, बार बार सोचें, पहले महीने का पहला दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, छठे महीने का आखिरी दिन, सातवें महीने का पहला दिन कैश, बारहवें महीने का आखिरी दिन। यही सर्कल हर साल चलेगा, आगे आगे यही सर्कल हर साल चलेगा। ओके, पहले महीने का पहला दिन, एंट्री बोलें, पहले महीने का पहला दिन, अच्छा, छठे महीने का आखिरी दिन, छठे महीने का आखिरी दिन कैश तो आया नहीं, इंटरेस्ट कमा लिया छह महीने का, बोले इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ओके, सातवें महीने का पहला दिन कैश डेबिट। ओके, आप बताएं बारहवें महीने का आखिरी दिन, ये कितने छह महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है? आखिरी छह महीने का, आखिरी छह महीने का, और आखिरी छह महीने का इंटरेस्ट इसके इस तारीख के सामने नजर आएगा, बोले इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब दूसरे साल की एंट्रीज आपने कैसे करनी है? दूसरे साल की एंट्रीज आपने करने के लिए जो है वो ये करना है कि चार डेट्स लिख लेनी है, चार डेट्स लिख लें। दूसरे साल में चार डेट्स कौन सी होंगी जो लिखेंगे उसके बाद एंट्रीज कर देंगे? एक साथ ग्यारह, उधर मत देखें, एक साथ इधर क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश 31/12 को, इनकम, और यकम जनवरी को, और 30 जून को। तो पहले चार डेट्स लिखें फिर एंट्रीज बाद में करें, अगले साल में चार डेट्स लिखें। एक और काम करें, चार डेट्स लिखें और चार डेट्स की नरेशन लिखें फिर एंट्रीज करना शुरू करें। चार डेट्स की नरेशन पहले सोचें, रिसीट ऑफ इंस्टॉलमेंट लिख दीजिएगा, रिसीट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और फिर दाएं बाएं वाले की नरेशन चेक करें, एंट्रीज बाद में कर लीजिएगा, एंट्रीज अभी कर लीजिएगा। चार डेट्स लिखें और चार डेट्स की नरेशन लिखें, नरेशन होती है दो तीन लाइनें छोड़ के नीचे लिखना ताकि एंट्री की जगह रहे।
देखें साथ वाले एमए इकोनॉमिक्स ने एंट्रीज कर भी ली हैं सारी, माइक्रो मैक्रो में एक्सपर्ट। तीस जून 12 भाई मेरे ख्याल से 30 जून 12 के साल में ना 1 जुलाई 11 को किराया आएगा, इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। उसके बाद 31 सितंबर 11 को इंटरेस्ट इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट 6 मंथ्स की जी। इसके बाद 1 जनवरी 12 को क्या होगा, इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी निरीक्षण, और 30 जून 12 को व्हाट वी विल डू, वी विल रिकॉर्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, इंटरेस्ट इनकम ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। ओके वॉच हियर, वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, 31 12 11 का इंटरेस्ट 31 12 11 को नजर आ जाएगा, कब नजर आएगा, 1 जनवरी 12 हमारे साल ही मिलेगा लेकिन 7वें महीने के पहले दिन। 30 जून 12 का इंटरेस्ट 30 जून 12 की शाम को नजर आ जाएगा, किस दिन नजर आएगा, होंट इलाइन होंट इलाइन में जो पता नहीं चलता बैठे हुए, 1 7 12। ओके लेट स्टार्ट, 1 जुलाई 11। अच्छा इस पर थोड़ा सोचना पड़ता है, ये तो डायरेक्ट डेट पर जाए नजर मारे, डायरेक्ट डेट पे जाए नजर मारे, इस पे को नहीं सोचना, 1 जुलाई 11 डेट पे जाए इंस्टॉलमेंट रिकॉर्ड करें। बोले जी कैश कितना, 10, लीज रिसीवेबल बोले 7.6, और रिसीवेबल वो जारी बात है पहले आपने रिकॉर्ड कर लिया हुआ 2.4। ओके 31 12 11 की इंटरेस्ट इनकम, 31 12 11 की इंटरेस्ट इनकम 31 12 11 की रात को नजर नहीं आएगी क्योंकि एडवांस का सवाल है, तो कब नजर आएगी, 1 1 12 से इंटरेस्ट इनकम उठाएं 1.8 इंटरेस्ट रिसीवेबल आफ्टर वन डे, एक दिन बाद मिल जाने, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जी 1.8। ओके द रिकॉर्डिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट इज वेरी सिंपल, जस्ट गो एंड पिक द फिगर, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड कैश 10, लीज रिसीवेबल जी 8.2, नहीं इनकम नहीं वो तो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, इंटरेस्ट रिसीवेबल 1.8। ओके 30 जून 12 के साल पे सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट इनकम में अभी डाला है, बाकी इंटरेस्ट भी तो इनकम में डालना है, 30 जून 12 का इंटरेस्ट कब नजर आएगा, अगर एरियल का सवाल है तो 30 जून 12 को, अब एडवांस का सवाल है तो 1 जुलाई 12, 1 जुलाई 12 को देखें 1.3 जी बोले, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जी 1.3। कितने लोगों ने सही एंट्रीज की थी, सारी हाथ खड़ा करें। ओके 1.3 आपने नहीं हाथ खड़ा किया, अच्छा ठीक है जी, कितने लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया था लेकिन एंट्री सही की थी। ओके कितने लोगों ने दो दफ़ा भी हाथ खड़ा नहीं किया एंट्रीज फिर भी सही की थी, प्लीज़ प्लीज़ इक्का दुक्का एक। कितने लोगों ने 3 दफ़ा भी हाथ खड़ा नहीं किया लेकिन एंट्रीज सही की थी, ओके इट्स एनफ ठीक है। साथ वाले से F1 की बातें करें,
फिर आगे चलते हैं। कितनों कहते हैं हम ऑलरेडी एफ आर वन पास कर चुके हैं, काफी पुरानी बात हो गई है। ओके माशाल्लाह, सीए फाइनल की बात कर लें फिर साथ वाले से फ्यूचर की। आईकैप से स्टैंडर्ड जाके ले लेने हैं, कितने लोगों ने ले लिए हुए जाके ओरिजिनल स्टैंडर्ड? कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें। आईकैप में आपने जाके कहना आई नीड आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कितने के मिलते हैं? 2000 के शायद। लास्ट टाइम थोड़ा कुछ लोग लेट गए थे, फिर उनको आखिरी दिनों में स्टैंडर्ड मिले नहीं थे, तो फिर इससे आईकैप ने कहा था कि बच्चों को आप पहले से ही बता दिया करें ताकि अगर कभी शॉर्ट भी हो जाएं तो फिर हम टाइमली अरेंज कर सकें। तो कौन इंशाल्लाह आज ही जाके ले लेगा, कौन कल जाके ले लेगा, फिर ये मसला ना हो जाए ना, कॉपीज शॉर्ट हो जाती हैं, फिर आप भी शॉर्ट हो जाएंगे। फिर ये स्टैंडर्ड किसी दिन आपसे मैं मंगवाऊँगा हफ्ते डेढ़ में, तो फिर वो उसको खोल के दिखा देंगे कि पेपर में उसमें से क्या चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। अभी इससे ले लें, ये फिर बाद में नहीं बताना कि मिल नहीं रहे। ये जबानी आपने घर जाके बार बार बोलने हैं। सेमी एनुअल एडवांस का सवाल है, सेमी एनुअल पहले दिन क्या रिकॉर्ड होगा? किराया जो आया है कैश, छठे महीने के आखिरी दिन इंटरेस्ट इनकम जो नजर कब आएगी? सातवें के पहले दिन, चलें इसको छोड़ें। तीसरी एंट्री क्या होगी? कैश, किस दिन? सातवें महीने के पहले दिन। और चौथी एंट्री क्या होगी? इनकम तो अभी छह महीने की रिकॉर्ड की है सिर्फ, इंटरेस्ट इनकम कौन सी? ओके दोबारा रिपीट, सेमी एनुअल एडवांस के सवाल में पहले महीने के पहले दिन क्या रिकॉर्ड होगा, छठे के आखिरी दिन, सातवें के पहले दिन, बारहवें के आखिरी दिन, एंड ये सर्कल चलता रहेगा। ओके अब प्रॉफिट एंड लॉस बना दें, बैलेंस शीट और नोट में सोच रहा हूँ कल बनाएंगे, काफ़ी हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, बना लिया होगा कुछ लोगों ने, सही है बिल्कुल। जल्दी करें, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं दो सालों का। डेप्रिसिएशन नहीं आएगी लेसर की किताबों में, बिकॉज लेसर ने एसेट को डेबिट करके क्रेडिट कर दिया। पहली दो एंट्रीज देखें, सिर्फ लेसी की बुक्स में डेप्रिसिएशन आएगी। भाई ये लाइट ऑन कर दिया करो यार। चलें जी क्लास शुरू होने लगी है, ओके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 30/10/11। चलें दो सालों का बना लेते हैं। ओके हाउ यू आर सपोज टू थिंक, प्लीज गिव मी योर माइंड्स। सही बोल रहे हैं, एक दफा बोल रहे हैं, सोच के बोल रहे हैं, जल्दी को करने की जरूरत नहीं है। 30/11 ईयर एंड है, एनुअल एरियर का इंटरेस्ट किस दिन नजर आएगा? उधर क्यों देख रहे हैं? सोचें
30 जून 11 का साल है, एनुअल एरियर का इंटरेस्ट किससे नजर आएगा? 30/6/11 को, बस 30 जून 11 का साल है एनुअल एरियर का, एनुअल एरियर सबसे आसान सवाल होता है, एनुअल एरियर का इंटरेस्ट कब नजर आएगा? 30/6/11 30/6/11 के अंदर एनुअल एरियर का सवाल है, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना जाएगा? चलें बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल की कल बात करेंगे, छोड़ें। ओके नेक्स्ट, एनुअल एडवांस का सवाल है, 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट कब नजर आएगा? 30 जून 11 के साल का एक दिन बाद, 1/7/11 को नजर आएगा। ओके नेक्स्ट, सेमी एनुअल एरियर का सवाल है तो इंटरेस्ट किस दिन नजर आएगा? 31/12/10 होंठ हिला ले आए में तो कुछ नहीं हो जाता, 31/12/10 और 30 जून 11 क्वार्टरली एरियर का सवाल है तो इंटरेस्ट कब नजर आएगा? क्वार्टरली एरियर 30/9/10 31/12/10 31/11/11 30/6/11 नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रेलिवेंट है, 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट सेमी एनुअल एडवांस के सवाल में कब नजर आएगा? 31/12/10 को नजर नहीं आएगा, 1/1/11 और 1/7/11 नाउ दीज आर योर टू आईज, आई नंबर 1, आई नंबर 2। ओके 1/1/11 और 1/7/11 इन दोनों को जमा करके बता दें। प्लस 5.3 एंड सिमिलरली अब 1/1/12 को और 1/7/12 को, जी बोलें 1.8 प्लस 3.1 इट्स ओवर प्रॉफिट, मैं लाइन लगा रहा हूं, बन गया है प्रॉफिट एंड लॉस, बन गया है। होमवर्क के लिए सवाल खुद लिखें, भाई 20 मिलियन को डिस्काउंट करो 4 सालों पे, जो 20 को डिस्काउंट करो 4 सालों पे, 10% पर एनम, ठीक है? आप ये नोट करें फिर मैं सवाल लिखवाता हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए ये बंद कर दो ना, वैसे भी इंटरनेट पे कॉल कर, वैसे आवाज सही नहीं आती, बंद कर दो व्हाट्सएप पे, बंद कर दो। ओके सवाल लिखें, लीज कमेंस्ड ऑन, होमवर्क के लिए लीज कमेंस्ड ऑन यकम जनवरी 12, यकम जनवरी 12 लीज टर्म 4 years, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20 million, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20 million आर पेएबल, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, ओके 12/13 की जनरल एंट्रीज
और 12-13 का प्रॉफिट एंड लॉस, बस 31-12 और 31-12-13 इन दो सालों की जनरल एंट्रीज, ईयर एंड दिसंबर कर दिया जरा आसानी के लिए, इन दो सालों की जनरल एंट्रीज और इन दो सालों का प्रॉफिट एंड लॉस। सेमी एनुअल एडवांस, एडवांस ही होगा, सेमी एनुअल एडवांस। ओके, एक और चीज लिख लें, कॉस्ट ऑफ एसेट इज 135.7, कॉस्ट ऑफ एसेट इज 135.7 मिलियन। जी, इसकी जनरल एंट्रीज करके और प्रॉफिट एंड लॉस बना के तस्वीर खींच के दोस्त को आप कितने बजे तक भेज देंगे? इंटरेस्ट रेट पर एनम 10%, 5 बजे तक, और जल्दी लेसर के लिए सवाल सॉल्व करना है, कितने बजे तक भेज देंगे दोस्त को, कितने बजे तक भेज देंगे तस्वीर खींच के? 2 बजे तक। जी, कितने बजे तक तस्वीर खींच के भेज देंगे? वो अपना सोल्यूशन कंपेयर कर लेगा। जी, कितने लोग कोशिश करेंगे साथ वाले से कंपेयर करें? जरा हाथ खड़ा कर दें, हाथ खड़ा कर दें। अगर मोबाइल छोटा वाला आपके पास, दूसरा वाला, फिर तो बहुत गनीमत है, फिर सुबह जल्दी आके कंपेयर कर लीजिएगा।